हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। जैसे कि आप जानते हैं, आप इस चैनल में कुछ इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए एक फार्मूला लेके आया हूँ। आप सोच रहे होंगे किस चीज़ का फार्मूला, साइंस का फार्मूला, इंग्लिश का फार्मूला, मैथ का फार्मूला, पर नहीं, ये किसी भी चीज़ का फार्मूला नहीं है, बल्कि ये आपके लाइफ से रिलेटेड फार्मूला है। मैं 100% श्योर हूँ कि ये फार्मूला आपके साथ हो चुका होगा या फिर होना है, होकर ही रहेगा। तो आप इस फार्मूले को जरूर जान लीजिए ताकि आपको पहले से इस बारे में पता हो। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं इस वीडियो की सफर की तरफ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को ऐसी जगह देखें जहाँ पे कम शोर हो, क्योंकि ये वीडियो ऐसी इंटरेस्टिंग है और ऐसी मोटिवेट है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप स्क्रीन में देखे होंगे, आप सोच रहे होंगे यू के मतलब यू नाम का फार्मूला है, पर ऐसा नहीं है। आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है और जो बुरा करता है उसके अच्छा होता है, पर ऐसा नहीं है। वो इस फार्मूले का परिणाम है, मतलब इस फार्मूले के कारण होता है। आपको इस फार्मूले से क्लियर समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आप देखिए, इस ये जो यू है इसके एक सिरे में नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब हम पैदा होते हैं तो ईश्वर ने हमें दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो इक्वल हमारे अंदर रखी होती है। अगर हम किसी के साथ अच्छी चीज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी को अच्छी चीज़ या फिर किसी के साथ, जैसे मान लीजिए हम किसी की सहायता करते हैं, तो हमारा जो वो यू स्ट्रक्चर है उसमें एक पॉजिटिव थिंग बढ़ जाएगी, तो वो दूसरी तरफ जो नेगेटिव है वो एक कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप सोचोगे कि ये तो मैंने अच्छा किया और मेरे साथ बुरा हुआ। कई बार क्या होता है कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए किसी की गाड़ी ख़राब हो गई और आप उसको हेल्प कर रहे हैं कि चलो मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, और वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो जो गाड़ी का ओनर होता है वो आप पर और ज़्यादा चिल्लाता है। फिर आप सोचोगे कि मैंने तो इसके अच्छा करने के लिए सोचा और ये तो मेरे साथ बुरा हो गया, तो मैं अच्छा नहीं करूँगा। पर आपको हमेशा अच्छा करते रहना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने अभी पॉजिटिव किया, मतलब अच्छी बात की, तो वो पी तो बढ़ जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ से नेगेटिव निकल जाएगा। पर अगर आपने नेगेटिव किया तो दूसरी तरफ से आपको पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप सोचोगे मैंने बुरा किया मेरे साथ अच्छा हुआ। जैसे मान लीजिए कई गुंडे होते हैं या फिर कई बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, वो किसी को मार के उसकी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं, ठीक है। उसने हथिया ली तो वो तो खुश होगा। आप भी सोचोगे उसने इतना बुरा किया और वो अमीर है, पर उसको कई खतरे होंगे। पहला कि जल्दी से जल्दी मुझे ऐसा करना है कि इस प्रॉपर्टी को कहीं पर इन्वेस्ट करना है, इस पैसे को जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है कि कहीं इसका जो रियल का मतलब ओनर है वो आ ना जाए, उसका रिश्तेदार ना आ जाए जो इस प्रॉपर्टी में अपना हक जमा लें, ये इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर और भी आपके रिश्तेदार पूछेंगे कि आपके पास इतने पैसे कहाँ हैं, और भी बहुत ज़्यादा टेंशन उसको ये भी टेंशन रहेगी कि जैसे मैंने किसी को मार के उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली, कहीं कोई दूसरा मेरे को मार के मेरी प्रॉपर्टी मतलब इस प्रॉपर्टी को हथियार ना ले, तो उसको वो भी खतरा रहेगा, जिसके कारण वो उस चीज़ का लाभ उठा ही नहीं पाएगा। मतलब आप खुद ही सोच लिए, वो आप खुद ही सोचिए उसको उस चीज़ का क्या फ़ायदा, क्योंकि वो उस चीज़ का अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाएगा। जिसके पास खुद की होगी, खुद की कमाई चीज़ होगी, तो वो आराम से करेगा उसका इस्तेमाल, पूरे ढंग से, पूरे मन तन लगा के, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लीजिए आपने अगर आपने किसी के साथ पॉजिटिव किया तो आपके साथ नेगेटिव कुछ समय के लिए नेगेटिव हटता जाएगा, ठीक है। वो जब बिल्कुल ही नेगेटिव, ये प्रक्रिया कम से कम आपके साथ 6 महीने होती है, अगर बहुत ही ज़्यादा मान के चलो तो 6 महीने आपके साथ। अगर आप किसी के साथ बुरा, आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ 6 महीने कम से कम बुरा होगा, फिर आप देखना आपके साथ पूरी जिंदगी अच्छा होता रहेगा। ये है इस यू फार्मूले का टेक्निक। और मुझे पता है कि मुझे पता है 100% आपके साथ ये हो चुका होगा जब आप किसी के साथ अच्छा करने चले होगे और आपके साथ बुरा हो जाएगा। पर आप इस चीज़ से ये मत सोचना कि अब मेरे को किसी की भी अच्छा नहीं करना है, आप जरूर अच्छा कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी का भला करते हो तो इस पर आपको उसका 10 गुना देता है। मतलब जैसे आप किसी के साथ पॉजिटिव करोगे तो आपकी वी वाला जो साइड है वो बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ से नेगेटिव निकलते जाएगी। अगर आप नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक दिन आपके पास सिर्फ नेगेटिव रह जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प करें और कम से कम किसी का बुरा करें। होप यू आपकी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग
और मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात है, आपने देखा होगा कि जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कई लोग नदी को पार करते हैं, मतलब पुल क्रॉस करते हैं, तो उसमें कॉइन फेंकते हैं, सिक्के फेंकते हैं। पर आपसे मुझे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप कृपया प्लीज़ कॉइन ना फेंके, क्योंकि पहले के ज़माने जो हमारे पूर्वज होते थे वो पानी में सिक्के इसलिए फेंकते थे क्योंकि पहले या फिर तांबे के होते थे या फिर किसी और चीज़ के होते थे, उनसे क्या होता है कि वो पानी को गंदा नहीं करते। पर आज के जो कॉइन है वो उस पदार्थ से नहीं बने जिससे हमारे पानी को वो और ज़्यादा मतलब शुद्ध करें, बल्कि वो और ज़्यादा उसको गंदा करते हैं। पहले के ज़माने जो कॉइन होते थे मतलब वो तांबे के या फिर कुछ ऐसे पदार्थों से बने होते थे जिससे हमारा पानी जो फिल्टर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल जो प्योरिट आते हैं उनमें तांबे के उसमें लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है वैसे पानी साफ होता है। तो पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज इसलिए फेंकते थे और ये तो नोट फेंक देते नदी में, ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इससे हमारा पानी और ज़्यादा दूषित होगा और जो उस जल में रहने वाले जीव हैं उनको भी वो हानिकारक है। तो आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको कुछ चीज़ गलत लगी है तो प्लीज़ डिसलाइक करें, पर हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी ताकि हम उसको सुधार कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।